channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, मंगलवार को महाराष्ट्र की सीट शिवसेना को लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि बैठक के दौरान हमने बीएसपी पर चर्चा नहीं की, सभी सहयोगी पार्टियों के साथ चर्चा जारी है, जल्द ही हम फॉर्मूला और सहमति लेकर आएंगे। वहीं मीटिंग के बाद समाजवादी पार्टी के नेता वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और सबका मन अच्छा है। 12 तारीख की फिर एक बैठक है, जब उन्हें बीएसपी को इंडिया गठबंधन में साथ लाने से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, कहीं भी कोई बात नहीं है, आप लोगों के मुंह से बार बार सुनते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कांग्रेस मायावती की पार्टी बसपा को भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहती है, मगर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने बसपा के साथ गठबंधन की संभावनाओं को इनकार कर दिया है। इन दिनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों में जुबानी जंग चल रही है। दोनों दलों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। अखिलेश के इस तंज पर मायावती बीते रविवार समाजवादी पार्टी के मुखिया पर बिफरी थी। उन्होंने को दलित विरोधी करार देते हुए सपा और अखिलेश पर कई सियासी हमले भी बोले थे। अब सपा बसपा में पुल को लेकर सियासत हो गई है। वहीं अगर मैं बात करूं तो मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए खुद को समाजवादी पार्टी से खतरा बताया है। मायावती ने सोमवार को समाजवादी पार्टी सरकार पर बसपा के राज्य मुख्यालय के पास बने पुल को पार्टी की कार्यालय सुरक्षा के लिए खतरा करा देते हुए प्रदेश सरकार से बहुजन समाज पार्टी कार्यालय को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था कराने के अनुरोध किया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मायावती के इस बयान पर पलटवार करते हुए बसपा को भाजपा से मिली हुई पार्टी बताया है और कहा है कि पार्टी नेतृत्व को अगर लगता है कि उसकी सुरक्षा को खतरा है तो वह केंद्र सरकार को चिट्ठी लेकर इस पुल को तुड़वा दे। गौरतलब है कि साल 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजधानी के मॉल इवेन्यू स्थित बसपा राज्य मुख्यालय के सामने बनाए गए ओवरब्रिज का लोकार्पण किया था। बसपा के नेताओं ने आरोप लगाते हुए इसके निर्माण का पुरजोर विरोध भी किया था। उनका कहना था कि यह पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब देखना यह होगा कि सपा बसपा में बढ़ रही है तकरार आगे क्या करवट लेती है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी का होना जरूरी है इंडिया गठबंधन में, इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।